हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मेरे सामने दिख रहा होगा, और दोस्तों आप लोगों को अगर मेरे चैनल में मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ भी वैकेंसी के बारे में जानना हो कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही, मैं लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में ही अपडेट देते जा रहा हूँ मेरे चैनल पे। गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड और केटी के रूल्स के रिलेटेड मुझे काफ़ी लोगों ने अभी कुछ नया केटी का रूल आया है, तो जो नया रूल आया मैं पूरा डिटेल उसके बारे में जानकारी लेके मैं आपको वो सेकेंड वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा आई टी केटी रूल के रिलेटेड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो हमारे दोस्त है एम कॉम के, एफ वाई बी कॉम का, एफ वाई बी ए के, वो दोस्तों ने एडमिशन फॉर्म अपना जो भर रहे थे, जिनका डेट जा चुका है, जो केटी का फॉर्म भर रहे थे उनका डेट जा चुका है, तो अब जो लोगों ने नहीं भरा है वो क्या करें, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी आप लोगों के पास मौका है, लेट फीस भर के आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। जो भाइयों ने या जो बहनों ने अभी तक केटी का फॉर्म नहीं भर पाया, तो हम मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे चले जाते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, और दोस्तों साथ ही देखते देखते वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसके पहले मैं आपको एक पहले का नोटिस दिखा देता हूँ, जैसे कि इधर दिख रहा था, नोटिस फॉर लास्ट एंड फाइनल डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन जनवरी 2020, ठीक है। ये आप लोगों को मुंबई यूनिवर्सिटी ने फाइनल राउंड किया था, 3-4 राउंड पहले कर चुका था, देन ये फाइनल राउंड का नोटिस था कि आप लोगों को, इधर देख लीजिए, एफ आई बी ए का या बी कॉम के स्टूडेंट का, एम ए के या एम कॉम के स्टूडेंट लोगों को 25 फेब से 27 फेब तक का टाइम दिया गया था, लेकिन भर जो दिए, जिन्होंने भर दिया उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो नहीं भर पाए अब वो क्या करें, उनको नहीं पता था, शायद वो ऑफिस में बिजी थे। तो अब भी आप लोगों के पास मौका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो अभी होने क्या वाला है, आपको कैसे भरना है, लेट फी भरना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आप भर सकते हो अभी भी, एग्जाम फॉर्म अपना ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। आई थिंक थोड़ा नेट इशू है, थोड़ा का कुछ ज्यादा ही नेट जा चुका है, आई एम रियली सॉरी सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेट इशू हो चुका था। अच्छा, जैसे कि अभी आपके सामने आ चुका है, और इधर मैं ऊपर दिखाता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है, डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ मार्च अप्रैल मई 2020 एग्जामिनेशन फॉर्म। दोस्तों आपका एग्जाम मार्च अप्रैल मई के बीच में होगा, 2020 के एग्जाम का फॉर्म, एंड फीस ओनली फॉर रिपीटर एंड ऑल स्टूडेंट, जो जिन लोगों का केटी का एग्जाम है, जो रिपीटर है और जो पुराने स्टूडेंट है 2017-18 के, ये उन लोगों के लिए, ठीक है, न्यू यूजर के लिए नहीं है, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए नहीं है। नहीं तो आप पूछोगे, अगर फिर भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके डाउट हमेशा सॉल्व करूंगा। लेकिन ये जो है, ये इधर लिखा हुआ है साफ साफ मुंबई यूनिवर्सिटी वालों ने, रिपीटर एंड ऑल स्टूडेंट के लिए। अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, एफ वाई बी ए, एफ वाई बी कॉम, एस वाई बी ए, एस वाई बी कॉम। दोस्तों अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है अपने रिपीटर का, तो दोस्तों आप भर दीजिए, और उसका तारीख भी बता देता हूँ, 2nd मार्च से लेके 3rd मार्च तक का ही है। लेट फीस आप लोगों को देना होगा 100 रुपीज़। दोस्तों कितना देना होगा, 100 रुपीज़। एंड एग्जामिनेशन फीस आपको देना होगा, अगर आपको एक सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो आपको 385 रुपीज़ देना होगा, प्लस मतलब 100 रुपीज़ लेट फीस को जोड़ के बोल रहे, अदरवाइज उसका इंडिविजुअली प्राइस होता 285, लेकिन 100 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आप लेट भर चुके हो, जो अभी तक आपने केटी का फॉर्म नहीं भरा हुआ था, ठीक है, तो आपको अभी भरना होगा 385। अगर आपको दो सब्जेक्ट में केटी लगी हुई है तो 605 रुपीज़, अगर तीन सब्जेक्ट में केटी लगी है तो 1160 रुपीज़ आपको भरना होगा। और भी अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो दोस्तों इधर नीचे लिखा हुआ है, मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिसपे मेरा आपको इस पे मेरा नंबर मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अभी एफ वाई बी ए और एफ वाई बी कॉम, एस वाई बी ए, एस वाई बी कॉम। तो चलिए अब टी वाई वालों की बात करते हैं। तो दोस्तों इधर मैं आ जाता हूँ टी वाई पे, सॉरी है दोस्तों, क्योंकि हल्का सा नेट इशू चल रहा है मेरे ऑफिस में, तो आप लोगों को दिक्कतें हो सकती है, रियली सॉरी।
देन सेकेंड ओपन करते हैं टीवाई बीकॉम वालों का, देन इसके बाद हम एमकॉम वालों का भी ओपन करेंगे। ये टीवाई बीकॉम वालों का सीट ओपन हो चुका है। तो दोस्तों टीवाई बीकॉम वालों को पास 25 फरवरी से लेके 3 मार्च तक का टाइम है। दोस्तों आप लोगों के पास टाइम है, अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो दोस्तों फिर से भर सकते हो। दोस्तों सेम कंडीशन जो उसमें था FI में 385, अगर एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में तो 3605 एंड अगर तीन सब्जेक्ट में तो 1140 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, और जो TY BCom है उनको कन्वोकेशन चार्जेस भी देना होता है 250 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये चार्जेस भी आपको इंक्लूड है अलग से, हाँ ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो अलग से आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, TY BCom वालों का भी जो डाउट था वो क्लियर हुआ दोस्तों, अभी भी आपके पास चांस है, आप भर सकते हो। तब हम खास कर बात करते हैं जो हमारे MCom के दोस्त हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी MCom के जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच, बिकॉज सबसे ज़्यादा व्यूवर मुझे MCom वालों के तरफ से ही आते हैं, तो मैं खासकर उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और भी जो मेरे भाई है TY BCom FI BCom, जो भी मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं मेरे YouTube चैनल पे, मैं उनका भी हेल्प करता हूँ, डेफिनेटली हमेशा करूँगा भी। और दोस्तों आप मुझे Facebook पे भी फॉलो कर सकते हो, Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो, नॉर्मल YouTube पे जाके आप लिख दीजिए, अगर Facebook चाहिए तो facebook.com सूरज पटेल एजुकेशन नंबर 1, मतलब NO1 करके। थोड़ा नेट इशू है इसके लिए वो चल रहा है, तो मैं थोड़ा ये बातें कर ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे करना चाहते हो तो नॉर्मल गूगल पे आप जाके टाइप कर सकते हो, उधर मुझे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज मैं आपको मैसेज के रिलेटेड कुछ भी आप मेरे से क्वेरी करोगे, फोटो वोटो खींच के, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये है MCom वालों स्टूडेंट का। ठीक है, MCom पार्ट 1, MCom पार्ट 2 के दोस्तों के लिए। दोस्तों आप लोगों के पास है 21 फेब से लेके 2 मार्च 2020 तक का टाइम है, और नीचे 3 मार्च से लेके 11 मार्च तक का भी आपके पास टाइम है, लेकिन आपको तभी 100 रुपीज लेट फीस देना होगा। ठीक है, अगर आपने 2 मार्च के पहले, अगर आपने 2 मार्च तक का अगर फॉर्म भर दिया तो दोस्तों कोई भी लेट फीस नहीं है, अगर 2 मार्च के बाद भर रहे हो तो आपको 100 रुपीज लेट फीस लगेगा। हम अगर एक सब्जेक्ट में केटी है, देख लेते हैं पहले लेट फीस नहीं भर रहे तब क्या कंडीशन है। अगर एक सब्जेक्ट में केटी है तो 540 बना है, दो सब्जेक्ट में तो 875, तीन सब्जेक्ट में है तो 1590 रुपीज़ बनना है। अगर आपने 2 मार्च के पहले नहीं भर पाए, 2 मार्च के बाद भर रहे दोस्तों एमकॉम वाले, तो आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करना होगा, और उसका फीस है सब में 100 रुपीज़ बढ़ जाएगा। जो ऊपर था 540 वो हो गया 640, जो ऊपर था 875 वो हो गया 975, और ये तीन सब्जेक्ट में रहा तो 1690 रुपीज़। और कन्वर्कशन का अलग से जो चार्ज है वो आपको मैंने बता दिया, इधर आप देख लीजिए लेट फीस के साथ 100 रुपीज़ बढ़ जा रहा है। और भी अगर दोस्तों जो मेरे एमकॉम के दोस्त हैं, अगर आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे इस यूट्यूब के ऊपर, मैं ज़रूर आपको यूट्यूब के ऊपर ही आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों आप लोगों को सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करने के पहले आप मुझे यूट्यूब पे ही मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब वालों का सबसे पहले मैसेज देखता हूँ मेरे व्हाट्सअप की जगह, बिकॉज मैं व्हाट्सअप जल्दी ओपन नहीं करता हूँ, और जब ओपन करता हूँ तब मैं लेट रिप्लाई देता हूँ, बल्कि यूट्यूब का मैं हमेशा ऑनलाइन मतलब चेक करता रहता हूँ, अगर किसी का कमेंट आया तो मैं देता रहता हूँ। दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे, तो नॉर्मल जैसा अभी मैं फेसबुक का बता देता, आप इंस्टाग्राम भी कर लीजिए, यूट्यूब जैसा गूगल पे आ गए facebook.com/सूरज, जो मेरा नाम है पटेल एजुकेशन, जो मेरे चैनल का नाम है, सेम वही लिखना है, सिर्फ आगे नंबर 1, ठीक है, NO1 कर देना और इंटर मार देना। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मैं भी ये काफी दिनों के बाद फिर से ओपन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह आपको मेरे पास फेस मतलब ये मेरा पेज आ जाएगा, आप मुझे इजीली कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोटो अपने कुछ अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा तो इधर मेरे से काफ़ी आप ज्वाइन होके मेरे मतलब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और खासकर इंस्टाग्राम पे जरूर, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम रह जाता हूँ, मतलब ऑनलाइन कि किसी के कुछ कमेंट आए, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं फेसबुक के जगह, और आपको इधर भी दिख रहा होगा कि मैं जो भी आपको वीडियो जाता है वो इधर भी मेरे अपलोड होते हैं, जो मेरा प्रोटोन एकेडमी क्लास है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों का जो प्रॉब्लम था उसे मैंने सॉल्व किया होगा आप लोगों के। तो अभी भी जो दोस्तों ने केटी का फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है,
लेट फिर से दोस्तों आप फिर से भर दीजिए, मुंबई यूनिवर्सिटी ने फिर से आप लोगों को चांस दिया हुआ है, और दोस्तों भर के इस बार पास हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो चलिए फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।